વરસાદની ચિંતા તો હળવી થઈ છે, પરંતુ મુશ્કેલી હજુ યથાવત છે। अनेक विस्तारों में धोधमार वरसाद पड़ो छे, जो के राहत नी वात ए छे के हवे वरसादे विराम लीधो छे, जो के हजू पण आगामी 24 कलाक में केटलाक विस्तारों में धोधमार वरसाद खाबकी शके छे। त्यारे जुओ राज्यना कया विस्तारों में पड़ी शके छे भारे वरसाद। गुजरात पर मोटी घात टड़ी, चक्रवात की चिंता थी हड़वी। हजू भारे वरसाद की आगाही। चक्रवातनी असर थी दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में भारे वरसाद खाबक्यो। सौराष्ट्रना अनेक जिल्लाओं में जळबंबाकार की स्थिति जोवा मळी, परंतु हवे राहतना समाचार छे। वरसादनी गति ओछी थई गई छे। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में भारे थी अति भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी हती, जो कि हवे वरसादे विराम लेता गुजरात पर मोटू संकट टळी गयु छे। वावाझोडुं हवे डीप डिप्रेशन में फेरवाशे। दरियाकांठाना विस्तार में 45-70 किलोमीटर की झड़पे पवन फूंकाशे, जयरे आवतीकाले 1 ऑक्टोबरे शाहीन चक्रवात नुं रूप धारण करशे, जेथी 100 किलोमीटर की झड़पे पवन फूंकावानी शक्यता छे। 2 ऑक्टोबरे शाहीन पोतानी चरम सीमा पर पहुंचशे, जेथी सौराष्ट्र अने दक्षिण गुजरात सहित विस्तारों में 100-110 किलोमीटर की झड़पे पवन फूंकाई शके छे। केटलाक विस्तार में भारे वरसाद की शक्यता। छेल्ला 24 कलाक में दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र तथा मध्य गुजरात ना विविध विस्तारों में भारे वरसाद थयो हतो। राज्यना 196 तालुकाओं में हळवाथी भारे वरसाद नोंधायो हतो, जेमा सौराष्ट्रना विसावदर में सौथी वधु 10 इंच वरसाद पड्यो हतो, ज्यारे गिरनार जंगल में 12 इंच वरसाद खाबकता जूनागढ़नी सोनरख नदी में भारे पूर आव्यु। जो कि गुरुवारे राज्य में मात्र 25 तालुकाओं में वरसाद नोंधायो छे, जेमा दक्षिण गुजरात अने सौराष्ट्रना तालुकाओ सामेल छे। अगले 5 दिन में बारिश मोस्टली जो भारी से अति भारी बारिश रहेगा, आज ही रहेगा सौराष्ट्र कच्छ में। गुजरात रीजन में भारी बारिश होने का संभावना नहीं है। मोस्टली सारे जगह में जो बारिश होगा लाइट टू मॉडरेट रहेगी, लेकिन भारी से अति भारी बारिश होने का संभावना है। देवभूमि द्वारका, कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट में आइसोलेटेड हैवी रेन होने का संभावना है, और कल से हैवी रेनफॉल वार्निंग नहीं है गुजरात के लिए। एनडीआरएफ नी टीम बनी देवदूत, पूरना प्रकोप माथी बचाव्या लोकोना जीव। देवभूमि द्वारका ना वर्तु 2 डेम ना पाणी जामरावल गाम मा फरी वळ्या हता। अचानक गाम मा पाणी नो प्रभाव वधी जता अनेक लोको पूरना पाणी मा फसाया हता, जे बाद जामरावल गामे एनडीआरएफ नी टीमे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर्यु। एनडीआरएफ नी टीमे लोको ने सलामत स्थळे खसेड्या हता। राजकोट ना मोटा मवा पासे एक बाइक सवार युवक तणाई गयो। घटना मोटा मवा पासेना बैठा पुल पर नी छे, ज्यांथी पसार थतो एक युवक बाइक साथे तणावा लाग्यो हतो। अचानक धसमसता प्रवाहमां ते बाइक साथे तणायो। युवक ने तणातो जोई स्थानिक लोको दौड़ी आव्या हता अने तेने बचावी लीधो। भावनगर जिल्लाना भंडारिया गामे पाणीना धसमसता प्रवाहमां एक ज परिवारना 5 सभ्यो फसाया हता, जेओनु महामेहनते कार्यधार पोलीसे स्थानिक तरवैयानी मददथी रेस्क्यू कर्यु। आ तरफ अमरेली जिल्लामां बुधवारे घोड़ापुरनी स्थिति वच्चे 2 मोटा रेस्क्यू ऑपरेशन थया। अमरेली तालुकाना बाबापुर नजीक सातरडी नदीना पूरमां फसायेली बसमां सवार 19 लोको सवार हता, जेनुं अमरेली तालुका पोलीसनी टीमे अने स्थानिक माणसो द्वारा दोरडा बांधी रेस्क्यू करायु। तो बीजी तरफ लीलियाना भोरिंगडा नजीक 2 व्यक्ति पूरमां फसाई जता आखी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चाल्यु। राज्यना डेम थया छलोछल, 100 डेम हाई एलर्ट पर। अमरेलीना बाबरा करियाणा रोड पर आवेलो रामपरा डेम ओवरफ्लो थई गयो छे। गईकाले वरसेला 1.25 इंच वरसाद अने उपरवासमांथी आवेला नवा नीरना कारणे डेम भराई गयो छे। पाणीनी आवक वधता डेम ओवरफ्लो थयो छे, जेना कारणे खाखरिया, दरेड, जाम बरवाड़ा, गढ़कोटड़ी सहितना गामोने फायदो थशे। देवभूमिना कल्याणपुर तालुकामां आवेलो शेढ़ा भाड़थरी डेम ओवरफ्लो थयो छे। डेम ओवरफ्लो थता खेडूतोना रवि पाकने फायदो थशे। डेम भराई जता नीचाणवाळा विस्तारमां रहेता लोकोने सलामत स्थळे खसी जवा सूचना अपाई छे।
આ તરફ જામનગરના રણજીત સાગર ડેમ ફરી ઓવરફ્લો થયો છે. શહેરને પીવાનું પાણી પૂરું પાડતો રણજીત સાગર ડેમ ફરી એકવાર 1 ફૂટથી ઓવરફ્લો થયો છે. રણજીત સાગર ડેમમાં પાણીની સતત આવક યથાવત છે. ડેમ ઓવરફ્લો થતા શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારોને એલર્ટ કરાયા છે. આ તરફ ઉકાઈ ડેમમાં ઉપરવાસમાંથી પાણીની આવક યથાવત છે. હાલ ડેમમાં 2,42,176 ક્યુસેક પાણીની આવક છે, જેની સામે ડેમના 22 ગેટ પૈકી 15 ગેટ 7 ફૂટ ખોલી તાપી નદીમાં પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે અને ડેમમાંથી 2,07,253 ક્યુસેક પાણીની જાવક થઈ રહી છે. હાલ ડેમની સપાટી 342.15 ફૂટ પર પહોંચી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ડેમની ભયજનક સપાટી 345 ફૂટ, જે પહોંચતા માત્ર 3 ફૂટ જ બાકી છે. ત્યારે ઉકાઈ ડેમમાંથી તાપી નદીમાં પાણી છોડાતા નદી કિનારાના લોકોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. આમ ભાદરવો મહિનો ગુજરાતને ભરપૂર પડ્યો છે. વરસાદની ઘટ દૂર થઈ છે અને પાણી સમસ્યા પણ સમાપ્ત થઈ છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, TV9.